अशोक होपेकर मैम के साथ, तो आई थिंक मैं सबसे यंग MLA होने वाली हूँ इस मूवी में। माय नेम इज़ माधवी, पहले आप मेरा नाम जान लें, माधवी लावरे। और ये काफ़ी कॉमेडी मूवी लगी मुझे, इसलिए मैंने इसके लिए हाँ किया। और इसमें मेरे अली असगर सर, ईशा कोप्पिकर के साथ काफ़ी अच्छे सीन है। आवाज़ आ रही है आप सबको? ओके, आप पूछ सकते हैं जो भी। अच्छा, इसके बाद मेरी एक और मूवी आने वाली है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नवाज सर के साथ है वो, टीकू बेड शेर MLA, यंग MLA। नो, मतलब ईशा मैम के साथ हूँ और उनका भांडा लास्ट में मैं ही, मतलब लाइक अली असगर सर के साथ जो मैं बताने वाली हूँ, तो वो बहुत ही सस्पेंस वाली चीज़ है, वो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक्चुअली सरकार ना सब जगह करप्ट भी होती है और नॉर्मल भी होती है। मेन क्या है, लोगों का भला होना चाहिए, मेन वो थिंकिंग होना चाहिए, जो शायद इस बार नहीं था, शायद जो भी बाहर आया था उसमें, तो थोड़ा सा उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आई थॉट आप मान लीजिए कि ठीक है, MLA लोगों को भी जाना चाहिए क्या? MLA को अगर कोई खरीदना चाहती है, पार्टी अपोजिशन को भी जाना चाहिए, आप मानती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बिकना चाहिए। एक मतलब अच्छे नागरिक का उन्हें बताना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के अच्छे नागरिक हैं, तो उन्हें लॉयल रहना चाहिए, बिकने किसी भी कंपनी के लिए नहीं बिकना चाहिए। आमिर खान जी सारी मूवी बहुत ही अलग बनाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट बहुत अलग होते हैं, तो ये वाली जो मूवी है वो बिना देखे जज करना, आई थिंक मुझे लगता है नहीं नहीं वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान के, वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो उनकी नागरिकता तो होनी चाहिए ना, तो पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए उनका। हाँ, ज़रूर आप सब देखिएगा उसका। ओके, डन, थैंक यू।